अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैरियत से होंगे और होपफुली कि आप सब लोगों की ईद बहुत ही अच्छे से गुजरी होगी। सो लेट से ही, लेकिन आप सब लोगों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो काफ़ी दिनों के बाद आज मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, तो उसकी एक मेन रीज़न ये थी कि ईद थी। और जैसे कि मैं आप लोगों से बार बार शेयर कर रही हूँ कि मेरे बच्चों के साथ मेरी फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर लाइक पाकिस्तान में ना ईद थी, तो लाइक बच्चे बहुत ज़्यादा जो है इंजॉय भी कर रहे थे और उनके लिए सब चीज़ें बड़ी नई नई भी थी, तो बस मैं उन्हीं के साथ जो ना फुल टाइम बिजी थी। हर एनीवे जी, हम लोग यहाँ पर आए थे ग्रोसरी स्टोर, चांद रात की बात है। तो लाइक मैंने जैसे कि आपसे अक्सर शेयर करती रहती हूँ कि बच्चे जो ना रात को तकरीबन आप कह लें कि 3-4 बजे तक ये जाग रहे होते हैं, और बस फिर क्या होता है कि बच्चों को कुछ ना कुछ जो है ना खाना होता है, तो बस वही जो आप कह लें कि स्नैक्स की मुझे शॉपिंग करनी थी। एंड सेकेंडली, बच्चे जो ना यहाँ का ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी शौक से नहीं खाते, तो लाइक उनके लिए सीरियल और बिस्किट्स ले लेती हूँ, बिकॉज के मेरे बच्चों का जो मोस्ट फेवरेट यहाँ पर नाश्ता है ना, चाय के साथ बिस्किट ही होता है, बिकॉज कि यहाँ पर ना बिस्किट्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी और बहुत ही मज़े मज़े के बिस्किट्स होते हैं जो कि कुवैत में नहीं होते। खैर, यहाँ पर जी हम लोगों ने शॉपिंग डन कर ली थी, देन उसके बाद ना मैं चली गई थी पार्लर। और देन यहाँ पर ये देखिए जी, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये रात के तकरीबन 12 बजे के क्लिप्स हैं। और जी यहाँ पर जी चल रही थी बच्चों की जो है चांद रात पार्टी, और जैसे कि मैं आप लोगों से शेयर करती ही रहती हूँ, और मेरे ख्याल से मोस्ट जो हम लोगों ने बाहर से खाना मंगवाया ना वो पिज़्ज़ा ही है, तो यार बच्चों को हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगवा के दे दिया था। तो यहाँ पर जी लग रही थी मेहंदी, और मुझे नहीं याद कि लास्ट टाइम जो है ना मैंने कब मेहंदी लगवाई थी, तो आज मेरी जो सिस्टर है ना वो काफ़ी ज़िद कर जो है ना मुझे मेहंदी लगवा रही थी। यार फाइनली यहाँ पर जी हमारी मेहंदी भी डन हो गई थी। तो यहाँ पर जी मैं अब आपसे जो है ईद के दिन के क्लिप्स शेयर कर रही हूँ, तो ज़्यादा तो मैं वीडियो नहीं बना सकी, तो थोड़े बहुत जो मैंने क्लिप्स कैप्चर किए वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अर्ली मॉर्निंग की जो है ना हमारी कुर्बानी हो गई थी, तो यहाँ पर जी हमारा हो गया था नाश्ता रेडी। तो नाश्ता हमने जो ना 2 दफ़ा किया था, बिकॉज के हमारे घर में लाइक क्या होता है कि ईद में ना सेवैयाँ ज़रूर खाई जाती है, छोटी हो या बड़ी हो। तो यहाँ पर जी ये थे ड्रेसेस जो कि मैंने जेड होट से लिए थे, तो ये जो है ना बच्चों की नानों ने उनको गिफ्ट किए थे, तो फर्स्ट डे जो ना उनके नानों के जो ड्रेसेस हैं वही वेयर कर रहे थे। तो ये आई थिंक शाहपोश का था, सॉरी ये जेड होट का नहीं है, ब्लैक एंड रेड वाला, ये जो था शाहपोश का था, बहुत ही प्यारा स्टाइलिश सा जो है ना ये स्टिच हुआ हुआ था। तो है ये बच्चे करेंगे जी वेयर। तो देन जी बच्चे रेडी हो गए थे, और यहाँ पर जी हमारा जो है लंच वो भी रेडी हो चुका था। और जी बकरा ईद में आपको पता है कलेजियाँ और नमकीन गोश्त, यही 2 स्पेशल डिशेज़ होती हैं जो कि आप कह लें कि मेन डिशेज़ होती हैं, जिनके बगैर ईद जो है ना इनकम्प्लीट होती है। खैर इन शॉर्टली जी फूड वॉज सो सो डिलीशियस। कुर्बानी हम लोग कुवैत में भी करते हैं, वहाँ पर भी सब कुछ बनता है, बट जो टेस्ट फूड के ना लाइक जो पाकिस्तान में वो कहीं पर भी नहीं है। लाइक बारिश ले ले, फूड ले ले, कोई भी चीज़ ले लेना, स्पेशली इन ओकेजन्स में लाइक वो मज़ा पाकिस्तान में आता है, वो कहीं पर और नहीं आ सकता है। यहाँ पर बच्चे भी अच्छे से रेडी हो चुके हैं, यहाँ पर मैं आपको उनके ड्रेसेस दिखा रही हूँ। तो बस हम लोगों ने लंच किया, देन उसके बाद हम लोग जो है ना थोड़ा सा बाहर चले गए थे पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने के लिए, तो मैं भी आपसे जो है पिक्चर शेयर करूँगी, वो भी देखिएगा। अच्छा, तो पिक्चर्स क्लिक करने के बाद ना हम लोग थोड़ी देर सो गए थे, और उसके बाद मेरा प्लान था कि मैं जाऊंगी अपने इन लॉज, क्योंकि मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मैं फर्स्ट हाफ डे तो अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करूंगी, देन बाकी जो डेज़ हैं ईद के वो मैं अपने इन लॉज स्पेंड करूंगी। तो बस अभी हम लोग वहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना लाइक ये बात मुझे बड़ी सरप्राइजिंग लगी कि यहाँ पर जो ईद है ना लाइक प्रॉपर 3 डेज स्पेंड की जा रही होती है, लाइक प्रॉपर जो कुर्बानी होती है वो 3 डेज लोग कर रहे होते हैं। तो यार ये चीज़ मुझे अच्छी भी बहुत लगी। तो यहाँ पर अभी देख लें कि फर्स्ट डे का एंड था, लेकिन फिर भी कुर्बानी के जानवर काफी ज्यादा अभी भी रहते थे। तो यहाँ पर ये देखिए जी हम लोग मार्केट आए थे, तो मैंने सोचा कि बच्चों को ना हम कुछ खिला पिला देंगे, और कुछ मुझे एक दो काम भी थे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी जो मार्केट है ना बंद थी। तो लाइक कुवैत में वैसे ऐसा नहीं होता, कुवैत में तो ईद के फर्स्ट डे भी मार्केट ऑलमोस्ट जो है ना वो खुली होती है। तो खैर हमें यहाँ पर कुछ भी खाने पीने का नज़र नहीं आया, देन हमें एक जो है ना आइस लॉलीपॉप का स्टॉल नज़र आया था, तो मैंने सोचा कि चले आज बच्चों को जो ना ये भी ट्राई कराते हैं, बिकॉज के काफ़ी ज़्यादा दिनों से ना मेरा खुद भी बहुत ही दिल चाह रहा था ये खाने का। लाइक हमेशा हम लोग विंटर्स में आते हैं, तो लाइक गर्मियों में आने का ना लाइक मुझे ये बहुत था कि मैं ना आइस लॉलीपॉप जो ना ज़रूर ट्राई करूँगी। है यहाँ पर जी बच्चे जो हैं अपने आइस लॉलीपॉप्स एंजॉय कर रहे थे, बच्चों को बहुत ही अच्छा लगा। देन उसके बाद हम लोग कहीं भी नहीं गए थे, बिकॉज के बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लेवल वाली जो ना ह्यूमिडिटी हो रही थी, और लाइक आजकल का जो वेदर है ना आप कह लेंगे बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हुआ है, कभी जो है ना बहुत ह्यूमिडिटी हो जाती है और कभी जो है ना एकदम से बारिश स्टार्ट हो जाती है। सो है एनीवे जी यहाँ पर ना मैं आ गई थी अपने ससुराल, तो बच्चे वगैरह जो है अपने दादों वगैरह से जो है ईद मिले। देन उसके बाद यहाँ पर जी डिनर टाइम हो गया था, तो आज हम लोगों ने ना KFC के जो है बर्गर ऑर्डर किए थे, बिकॉज के जो ना मुस्तफ़ा बिल्कुल भी मीट नहीं शौक से खाते, तो मैंने फिर उसके लिए कहा कि यही हम लोग ऑर्डर करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से फर्स्ट डे ईद का बहुत ही अच्छा स्पेंड हुआ, और बच्चों ने जो है ना बहुत ज़्यादा एंजॉय किया अपने लाइक ननियाल में ददियाल में दोनों ही घरों में, लाइक उन्होंने फर्स्ट डे अपना ईद का डे स्पेंड किया।
तो यहाँ पर ना मैं आप लोगों से नेक्स्ट डे के क्लिप शेयर कर रही हूँ, मीन्स के सेकंड डे ऑफ ईद के क्लिप शेयर कर रही हूँ। तो अगेन बहुत ज़्यादा जो है मैं वीडियो नहीं बना रही थी, बस थोड़े थोड़े से जो है ना मैं कैप्चर्स कर रही थी क्लिप्स आप लोगों के लिए। तो ये जो ड्रेसेस है ना मैंने इनके जे डोट से लिए थे, इनके शरारे थे, ये बहुत प्यारे लाइक लोन के ही कपड़े के ना शरारे बने थे, बहुत लाइट स्टफ़ के, बिकॉज की गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये शर्ट थी और साथ ही इसके साथ था शरारा, जिसका जी ओवरऑल प्रिंट था। हैर एनीवे जी, इन शॉर्टली ये ड्रेस बहुत ही ज़बरदस्त था, लाइक आप कह लेंगे ये सिंपल भी था और साथ ही साथ एलिगेंट भी था। तो यहाँ पर जी बस मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कैप्चर कर रही थी। तो ये दुपट्टे जो थे ना, साथ मैंने इसके खुद से ही ऑर्गेन्जा के मैचिंग किए थे, इसके साथ दुपट्टे जो ना इंक्लूडेड नहीं थे। तो ये जो बैंगल्स हैं ये जो है इनकी मम्मानी लेकर आई थी मैचिंग करके, साथ ही मैंने इनके लिए झुमके भी लिए थे। तो लाइक मैं चाह रही थी कि लाइक प्रॉपर ट्रेडिशनल जैसे लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, रेडी होते हैं, तो ईशा भैया को भी जो है ना मैं बिल्कुल वैसे ही रेडी करना चाह रही थी। तो ये जो है ना झुमके मैंने इनके लिए लिए थे, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे इसके साथ। तो बस अगेन वही वाली बात है कि कैप्चर मैं इतना कुछ नहीं कर पाती, थोड़ा थोड़ा जो है मैं कैप्चर कर लेती हूँ आपके लिए। और मुझे लाइक अभी वॉइस ओवर करते हुए याद आ रहा था कि लाइक मैंने कोई अच्छे से वीडियो ही नहीं बनाई इनकी, तो बस यहाँ पर थोड़ी बहुत मैंने जो पिक्चर ले रही थी तो उसी टाइम जो मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई तो बनाई है। एनीवे जी, बच्चों को जो है माशाल्लाह से ड्रेसेस बहुत ही सूट कर रहे थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे घर दावत भी थी, तो बस साथ साथ जो है ना किचन में भी मैं बिज़ी थी, यही वजह थी कि मैं ज़्यादा जो है ना उनकी वीडियो नहीं बना सकी थी। तो हम लोगों ने कुछ साइड डिशेज़ में भी चीज़ें बनाई थी, लाइक सैंडविचेज़ वगैरह, सैलड वगैरह, और उसके साथ हम लोगों ने जो है ना निहारी बिरयानी मैंने बनाई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह से जी बहुत ही मज़ा आया था। तो यहाँ पर ये देखिए जी हमारी मज़ेदार से जो है निहारी भी रेडी है, जो कि हम लोगों ने सुबह की ना हल्की आँच में रखी हुई थी। तो बस यहाँ पर जी हमारी कुकिंग जारी थी, तो हमारे गेस्ट भी आ गए थे, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जो है ना उन लोगों के साथ जो है चाय चाय पी, और ये बहुत ही खूबसूरत सा केक आया था, तो हम लोगों ने ये केक वगैरह काटा। और ईद की असल खुशी यही होती है अपनों के साथ बैठकर अच्छा सा टाइम स्पेंड करना, और बस वही हम लोगों ने किया। देन यहाँ पर जी फूड भी रेडी हो गया था, और ये देखिए जी हमारी मज़ेदार सी बिरयानी जो कि मैंने रेडी की थी। तो चले जी बस अभी मैं इसको रखती हूँ सबको जो है दस्तरखान पे, और होपफुली गाइस कि आप लोगों ने जो है मेरी आज की वीडियो को पसंद किया होगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अगर चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।